हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा सारा काम हो चुका है, आप देख सकते हो। आपको दिखा देता हूँ रूम, मैंने कर लिया सारा काम। उस रूम का भी हो चुका है, सब लोग नहा धो के फ्रेश हो चुके हैं, सब लोग जॉब पे जा चुके हैं। जो जो जॉब पे जाता है रोज ये बताना पड़ता है मुझे आपको। और गुन्नू भी चली गई थी आज सुबह, अभी आएगी वो थोड़ी सी देर में। तो मैं आपको मम्मी भी दिखा देती हूँ। हाय मम्मी, मम्मी तो शॉर्ट वीडियो देख रही है फिलहाल, शॉर्ट्स। तो मैं बना लूँ शॉर्ट वीडियो, अपनी रिंग लाइट निकालती हूँ और बनाती हूँ। ओके, अब इसको मैं बड़ा करूँगी, छोटी कर रखी है फिलहाल मैंने। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए दलिया, मीठी नहीं, नमकीन दलिया बनाऊंगी अपने लिए, क्योंकि बीन्स की सब्जी है, बीन्स की सब्जी मैं नहीं खाती। तो मेरी दलिया बन चुकी है, देखो। तो मम्मी तो खाना खा रही है, मतलब मम्मी ने रोटी नहीं खाई, मम्मी ने अभी एक पराठा खा लिया था थोड़ी देर पहले, और काका ने भी, और इन दोनों ने रोटी खाई नहीं है। डैडी की भी मैंने रोटी बना दी, और गुन्नू के लिए भी बना दी है मैंने रोटी। वो आने वाली थोड़ी सी देर में, मैं अपनी दलिया खाऊंगी क्योंकि मुझे बीन्स की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ऐसी दलिया और पसंद है। वाकई बहुत टेस्टी बनी है ना मम्मी, अच्छी बनी है ना? कैसी बनी बताओ, बहुत स्वाद। मैं चम्मच गिरा दिया गलती से, वो भी चादर भी ख़राब हो गई, चादर ख़राब हो गई। चलो मैं हाथ से खा लेती हूँ, अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ शाम को। अब हम सोएंगे, खाना खा के गुन्नू भी आएगी, वो भी खाना खा के सो जाएगी, तो मिलते हैं हम लोग शाम को सोने के बाद, सो के उठने के बाद। तो मैं बनाऊँगी सब्जी, कौन सी, सोयाबीन, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाऊँगी मैं आज, क्योंकि मम्मी कह रही है कि तू बना ले, तेरे हाथ की अच्छी लगती है, इसलिए मैं बनाऊँगी आज वो सब्ज़ी। तो आज मैं खाना बना रही हूँ इसी वजह से, मम्मी को फ्री टाइम है इसलिए मम्मी अपना पिक्चर देख रही है, मूवी देख रही है। और रोज़ हम लोग मूवी देखते हैं, मतलब लोग टीवी में लगे रहते हैं या फिर फ़ोन में लगे रहते हैं, मम्मी खाना बनाती है। आलू बड़ी खूब स्वाद बनाती है और आलू बड़ी मैं स्वाद बनाती हूँ, मम्मी कह रही है। मम्मी मूवी देख रही है, बहुत पुरानी है। ब्रश नहीं आया अब तक, देखिए ऑयल बॉटल ऐसी रखी हुई है, हमें अंदर से ना बिल्कुल क्लीन करनी है, बिल्कुल जैसे दिख रहा है ना निशान विशान, तो हमने ब्रश मंगवा रखे हैं। अभी जब तक बिल्कुल क्लीन नहीं होगी ना, तब तक हम तेल नहीं डालेंगे इसके अंदर, इसलिए अभी मैं ऐसे ही डालूंगी तेल फिलहाल। तो अरे खुल नहीं रहा, क्यों इसका नया फ़ोन आने से पहले ही इसको पता नहीं क्या हो गया दूसरे वाले फ़ोन को इसके। और मैंने इसलिए अभी वो करवाया कि ये चीज़ें अभी इसलिए ऑर्डर किया, लेकिन ये तो सब उड़ा दिया इसने। पहले ना अकाउंट है मेरा कोई भी, सब अकाउंट सही आपको कर देगा ना, सही आके पासवर्ड याद नहीं है, और मेरे को फॉरगेट पासवर्ड नहीं आ रहा, फॉरगेट पासवर्ड आ गया। तो फिर पर मैंने शामी का वो डाल, मतलब जीमेल आईडी डाली ना, तो कह रहा है कि कोई अकाउंट नहीं है जीमेल, कह रहा है ये कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो स्टोरेज कम करूं क्या? अरे बाप रे, तेल तो देखो कितना तेल हो जाएगा इसके अंदर, सब्जी बड़ी तेल है, बड़ी तेल करवाने को बोल रही है, बड़ी तेल हो जाएगी, बड़ी तेल, बड़ी तेल तेल हो जाएगी गार्डन गार्डन। अरे बस ना, वो बड़ी में भी तेल होता है पता है, इतना तेल अच्छा नहीं लगता। अरे मैंने बड़ी में नहीं डाला ना, हैं बड़ी में ना डाला होता है उसमें, शराब हो गई। तो मैं बना रही हूँ, और मैंने तेल ना काफी डाल दिया था, बहुत सारा तेल डाल दिया था ये तेल की स्मेल अच्छी नहीं है यार, ये तेल रियल है ठीक है ना, इसलिए इसकी स्मेल बहुत ज्यादा हो पड़ती है पता। मैंने सोचा दिन में सब्जी तो मेरे को मन नहीं था वो खाने का, मैंने उसकी शक्ल देखी वो सूखी सूखी लग रही थी, मैंने कहा तेल से खा लेती हूँ मज़ा आता है खाने में। और भाई मैंने जरा खोला है ना इसको, ऐसी अजीब सी कड़वाहट जैसी आई इसकी स्मेल, मैं ना 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 वही ठीक है, मैं वो खा लूँगी छह रोटी का। अगर मेरे पे छींटे आई, आ गई, मैं जा रही हूँ।
सारा बन चुका है। फायदेमंद होता है कितना गंदा लग रहा सुंदर मसाले और मसाला डाल देते हैं सारा मसाला बाहर गिर गया। अब क्या करें बाहर गिरा तो क्या करेंगे वापस डालो अंदर। हाँ वापस लगवाए थे कर दूँ इसमें तेरे को मसाला तो दिखा दे इधर। नहीं यार बस इधर बनाना दिखाओ ये देखो मसाला बन गया है। अब मैं पहले इसमें डालूंगी आलू क्योंकि मम्मी ने धो दी पहले ही और उसके बाद बड़ी सोयाबीन की क्योंकि मुझे सोयाबीन की बड़ी बहुत पसंद है सॉरी क्योंकि वो ये लोग पता है कौन सी खाते हैं मूंगी की दाल वो कड़वी लगती है यार कैसे खा लेते हैं। अरे यार खा लेते हैं मैं भी ये सोचती हूँ मतलब चलो ठीक है टेस्ट आता है जो तरी तरी होती है ना जो उसकी करी होती है वो बहुत टेस्टी होती है पर वो बड़ी अंदर जाती है ना अजीब सा मेरी जगह भी आई है ना मेरी जगह ये क्यों बना ली ये है वो है बता दिया उनको बता दिया मुझे बाबू भाई उनसे पूछा था जल्दी बनाओ बार बार थोड़ी ना उस घर की बातें करते रहेंगे। मैं तो करती नहीं बार बार तो बड़ी डाल दी मैंने बस हो गया खाना बन गया और हाँ क्या ही बंद भी कर रही है मैं तेज कर रही थी बंद भी कर रही थी मैं सीटी लगाऊंगी तो मैं आलू क्योंकि गलाने होंगे तो सीटी इसमें लगी तो मैं 5-6 सीटी लगवा के उसके बाद इसको चेक करूंगी दोबारा कि गले या नहीं तब बन जाएगी। ये सब कुछ खंगाल के रखा कुछ गंदा हो गया यार। आप ऐसे ही करती हो पहले आप इसको सीटी मारो जब इसको गुस्सा आएगा तो ये सीटी बजाएगा। ओके हमें इसको जरा बर्तनों को खंगाल के रखना चाहिए क्योंकि इसके सारे बर्तन बहुत ज्यादा हो जाएंगे ना। ओके क्यों ऐसे क्यूट लग रही हो? नहीं लग रही मैं क्यूट क्यों देखो पांडा भी है पांडा नहीं पहन रखा है पांडा तो मतलब क्या है तो मैं दिखा रही हूँ देखो ये सेम और ये सेम और ये दवा वावा सुनो गलती से क्यों गया है ये मैंने नहीं करा ना पता नहीं यार क्या है लोग अभी मैं आई हूँ मैं अभी अंदर आई किचन के देखो कैसे बाहर हूँ मैं ओके टाटा हमने मंगवाया पिज्ज़ा तो नहीं सॉरी अतुल भैया ने मंगवाया पिज्ज़ा क्योंकि उनका नया फ़ोन आया है और गुन्नू भी मंगवाएगी गुन्नू मंगवाएगी ना जब तेरा फ़ोन आएगा मैं कमा रही हूँ मम्मी उन्होंने भी मंगवाया तो गुन्नू से भी जरा सी पार्टी ले लेना ठीक है जरा सी क्या हाँ गुन्नू तू आइसक्रीम खा ले जब तेरा फ़ोन आ जाएगा ठीक है। मेरी बात सब्जी कैसे बनी मेरी बात सब्जी सब्जी अच्छी नहीं कैसी बनी है देख लो यार कितनी तेरी तारीफ कर रहे थे बोलो ना बड़ी स्वाद बनी अभी बोल रहे थे तुम बड़ी स्वाद बनी है कसम से। मम्मी आप बताओ इनको छोड़ो बहुत स्वाद बनी है ना है बहुत अच्छी बनी ना वेरी वेरी टेस्टी लो भाई काका को भी टेस्टी लगी मुझे भी पहली बार स्वाद लगी है मजा आ गया। अरे वाह क्या बात आएगा मेरे को खाना बनाना कितना अच्छा आता है एक्सीलेंट फूड काका कह रहा है एक्सीलेंट फूड नहीं मुझे लग रही थी कि ये टेस्टी बनेगी आज बहुत ज्यादा मसाले मैंने खूब भर भर के डाल दिए और तेल मैंने कम डाला है अच्छा क्या क्या यही दही बल्ले दही बल्ले जाओ दही बल्ले लेके आओ चलो अतुल भैया खिला रहे हैं हमें पिज्जा पिज्जा पार्टी किसका चाचा शेफ है अच्छा चाची को नहीं आया था अभी
आलू मटर निकले वो स्वाद लगती है ना, जो चीज मेरे को पता चल जाता है कि वो चीज सच में स्वाद बनी है टेस्टी। और वो खा तो बहुत अच्छा है। मैंने मंगा लड़ आंटी का नहीं खाया, मैं फोन ठीक करवाया। मैं वही कह रही थी घर पे डाइजेस्ट उसी में लगता है। पता है क्या सिंपल तो होता था, वो तो ऑर्डर सी था। तो मैं कर रही हूं पिज्जा का वेट। भैया का फोन आ गया था कि आ जाओ, पर मुझे लगा वो आ गए हैं, पर अभी तक नहीं आए, शायद अब आ गए। नहीं मम्मी, मेरे चार अनियन है। मेरा कौन सा? तुम्हारा अनियन था ना? हाँ, ये मेरे लिए। हाँ, तुम्हारा अनियन है। ले लो जो भी लेना। क्या हुआ? ओ भैया ने बहुत सारे दे दिए सच में। और ये ना मैं भी इतना थोड़ा खाऊंगी। हाँ भाई क्यों ना दिखाओ, तुमने तो मंगवाए हैं। और मम्मी के लिए ऐसा नहीं, मम्मी के लिए कुछ नहीं आया, मम्मी के लिए भल्ले पापड़ी आई है। मम्मी खा लो ना। और डैडी के लिए क्या है? चॉकलेट। डैडी के लिए, अच्छा चॉकलेट डैडी के लिए आई है। और क्योंकि डैडी ये सब चीज़ें नहीं खाते। और मम्मी के लिए भल्ले पापड़ी। चलो अब मम्मी शुरू करते हैं। प्याज ही तो टेस्टी होते हैं। कह रहे सबसे पहले तुम्हें ही दिया है, कह रहे दो तीन ऑर्डर जबकि अभी है। तू भी खा ले, काका पिज्जा नहीं खाता। तो खाना वाना तो वैसे हमने नहीं खाया आज, मैंने बना लिया था खाना, पर बचा हुआ है सारा खाना आज किसी ने नहीं खाया। मम्मी की भल्ले पापड़ी रखी है, क्या पता मम्मी बाद में खाएंगी, अभी तो नहीं खाएंगी मम्मी। तो अब सारा काम सारा क्या, दो ही काम है अभी। अब गुन्नू करेगी बर्तन, बर्तन धोएगी। वैसे भी ज़्यादा बर्तन नहीं है, कमी है, ज़्यादा होते तो मैं इसके साथ मिलवा देती, पर अब नहीं है। और मैं भी थक चुकी हूँ, मैं भी लेटूंगी काम वाम करके। मुझे अपना टॉप भी चेंज करना है, मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। पार्टी मिली आज तो फ़ोन की, तो मैंने फ़ोन लिया है तो इस वजह से पार्टी दी उन्होंने, मतलब हमने ली है ज़बरदस्ती, है ना गुन्नू भैया? पार्टी हमने ली है ज़बरदस्ती, दे थोड़े ना रहे थे। तो अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, गुड नाइट।